प्रॉब्लम्स ऑन सरफेस एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले चीज देखो, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन टी, यह हर लिक्विड का अलग अलग होता है, यानी ये फिक्स होता है और तुम्हें दिया रहेगा। जैसे वाटर का अगर हम लेके चलें तो वाटर की वैल्यू जो है सरफेस टेंशन की, ये है 0.075 जूल पर मीटर स्क्वायर। ये वाटर की क्या है, सरफेस टेंशन की वैल्यू है। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होता है तुमको बताएं, जैसे लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, ये है फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितनी होती है एक्सेस एनर्जी, जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो अंदर के मॉलिक्यूल से है, वो जो ज़्यादा है वो क्या कहेंगे उसको, सरफेस एनर्जी कहलाएंगे। और हम लोग को ये याद रखना है कि सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया, फ्री सरफेस के यूनिट एरिया जो होता है उसके मॉलिक्यूल के बाद जो सरफेस एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन के बराबर होती है, सरफेस टेंशन टी के बराबर होती है। ये बात याद रखना है। तो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा, ये यूनिट एरिया भी टी के बराबर है। अब जैसे मान लो हमने लिया एक, मान लो ये कोई सरफेस है, फ्री सरफेस है एक ए एरिया को, तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, टी इंटू ए। फिल्म अगर रहेगा तो फिल्म में दो फ्री सरफेस होता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तब उसमें सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, टी इंटू टू ए। ठीक है, अब एक चीज ये समझो कि अगर एक लिक्विड ड्रॉप है आर रेडियस की, तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन दिया है तो ये स्फीयर शेप का है, हमें बस इसका सरफेस एरिया पता लगाना है, क्योंकि हमें यूनिट एरिया का जो सरफेस एनर्जी है वो तो टी के बराबर होगा ही, तो हमें इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू से शो कर रहे हैं सरफेस एनर्जी को, तो सरफेस टेंशन इंटू 4πr², ये इसकी सरफेस एनर्जी हो गई। अब आइए लिक्विड बबल, तो बबल जो होता है उसका दो फ्री सरफेस होता है, एकदम थीन मान के चलेंगे, एक इनर और एक आउटर, तो आउटर सरफेस एरिया 4πr², इनर भी उतना ही होगा सेम, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 8πr², तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, टी इंटू ए, यानी कितना, टी इंटू 8πr², ये इसकी सरफेस एनर्जी हो गई। आई बात समझे। अब एक क्वेश्चन है कि एक आदमी एक बबल को ब्लो करता है जिसका रेडियस है आर, रेडियस का एक बबल ब्लो करता है, और मान लो कि जिस लिक्विड का है, मान लो सोप का है, तो इसका सरफेस टेंशन टी दिया है, तो बताओ कितना वर्क करेगा। तो वो एक्चुअली जो वर्क करेगा वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में चल जाएगी, सरफेस एनर्जी के रूप में। तो वर्क डन टू ब्लो अ बबल ऑफ रेडियस आर, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही जो उसकी सरफेस एनर्जी है, टी इंटू 8πr². स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग ड्रॉप इंटू स्मॉलर ड्रॉप, मान लो एक ये जो है इतना बड़ा ड्रॉप है और ये छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाता है, ये n आइडेंटिकल ड्रॉप्स में ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो सबका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर ले लीजिए, सबका स्मॉल आर है। एक बात याद रखिएगा कि छोटे ड्रॉप पे टूटने से सरफेस एरिया बढ़ता है, ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि कितना बढ़ेगा। हमें ये याद रखना है कि छोटे ड्रॉप में
टूटने पे एरिया, सरफेस एरिया बढ़ता है, और जब छोटे छोटे मिल के बड़ा ड्रॉप बनेगा तो सरफेस एरिया कम होता है। टूटने पे सरफेस एरिया बढ़ेगा और जुड़ने पे सरफेस एरिया कम होगा, ये याद रखना है। अगर टूटने पे एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, बोलिए, या यहाँ पे सरफेस कम है यहाँ सरफेस ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर सरफेस ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो इसकी सरफेस एनर्जी यहां से बढ़ के ज्यादा सरफेस एनर्जी हो गई। ये सरफेस एनर्जी आई कहां से, ये सरफेस एनर्जी आई कहां से, तो दो चीजें हैं। अगर अपने से टूटता है, मान लीजिए टूटता है, तो पॉसिबल है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, वो यूज होके उसके अपने का, जैसे हर बॉडी में से अगर, जैसे कोई बॉडी है इसमें से हीट अगर हम निकालें तो टेम्परेचर इसका फॉल होता है, और हीट देने पर इसका टेम्परेचर राइज होता है। तो अगर इसकी थर्मल एनर्जी यूज हुई है इसकी सरफेस सरफेस एनर्जी में, तो इसका टेम्परेचर कूल होगा, ठंडा होगा। अक्सर देखते होंगे कि आप सावर में जब नहाते हैं तो आपको ठंडा लगता है, क्योंकि सावर में ड्रॉप से हमारे पानी गिरता है, हैं? और ड्रॉप से गिरेगा तो उसका सरफेस एनर्जी उनके पास ज्यादा होगी, तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कहां से वो एनर्जी आई है, उसका टेम्परेचर यूज करके, उसकी थर्मल एनर्जी यूज करके, तो टेम्परेचर उसका कम हुआ है। तो यानी जब एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में होता है तो उसका सरफेस एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर कम होता है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, जब टूटता है तो वॉल्यूम तो इक्वल करेंगे, तो यहां पे वॉल्यूम था और यहां पे एक का वॉल्यूम कितना है, 4πr³, लेकिन n ड्रॉप्स है, वॉल्यूम इक्वल करना है, तो r³ बराबर nr³। इससे एक रिलेशन ये होगा कि r बराबर, ये हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, ये याद रखना है, ठीक। अब बताइए, इसका एरिया मान लीजिए इनिशियली a1 है और टोटल एरिया a2 है, तो a1 कितना है और a2 कितना है, n इंटू 4πr², तो हमें देखना है कि इंक्रीज्ड एरिया कितना हुआ, एरिया कितना बढ़ा, तो हम निकालने जा रहे हैं a2 माइनस a1, तो हो गया n 4πr² माइनस 4πr² हाँ। अब एक चीज बताइए, 4πn, एक मिनट, 4π स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लिखें, अगर ये लिखेंगे आर अपॉन एन पे पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 4πr², तो ये हो जाएगा एन इंटू 4πr² अपॉन एन पे पावर 2/3 माइनस 4πr² हाँ। अब ये और ये, इसमें पावर 1 है, पावर घटाओगे तो ये 1/3 आएगा, क्यूब 1/3 क्यूब क्यूब रूट हुआ, तो फाइनली हम इसको लिख दे रहे हैं कि 4πr² और n पे पावर 1/3 माइनस 1, तो ये एक चीज हो गया। क्योंकि जब देखो एक का क्यूब रूट एक ही होता है, एक से ऊपर जब भी लेके जाओगे, एक से बड़े, एक से बड़ी गिनती का क्यूब रूट तो एक से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो में भी टूटता है, तीन में टूटता है, दो जब भी टूटेगा कम से कम एक एक ड्रॉप, दो टूटेगा तीन टूटेगा, तो एक से जहां ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये एरिया बढ़ेगा। ये इक्वेशन बता रहा है कि एरिया बढ़ेगा क्योंकि ये हमेशा एक से बड़ा ही होगा, समझे मेरी बात, तो इसका मतलब एरिया बढ़ी तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। अब एक चीज बताइए, इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी, इंक्रीज सरफेस एनर्जी, कितनी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, एरिया जितना बढ़ा इंटू सरफेस टेंशन है, तो एरिया, एरिया कितना बढ़ा हम लोग का, 4πr² इंटू टी, इतना सरफेस एनर्जी बढ़ी है। अब ये सवाल आता है कि ठीक है सरफेस एनर्जी इतनी बढ़ गई, ये सरफेस एनर्जी कहाँ से आई, तो हमने अभी बताया कि सरफेस एनर्जी आई है उसमें थर्मल एनर्जी, इससे उसका टेम्परेचर गिरेगा,
अब हमें ये पता लगाना है कि उसका टेम्परेचर कितना गिरेगा, उसका टेम्परेचर कितना गिरेगा ये पता लगाना है। एक चीज बताओ, ये किस में है? जूल में, ये जूल में है। तुम्हें पता है कि एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। इस 4.2 जो मल्टीप्लायर है इसको अक्सर जे से शो करते हैं, यानी कि अगर वर्क बराबर जूल में निकालना है तो कैलोरी होती थी क्यू, ये कैलोरी में, इसमें जे से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा आता है जूल में। इज इट क्लियर? तो ये जो तुम्हारा है ये एनर्जी, ये जूल में है, ठीक है। अभी इतनी एनर्जी हमें कहाँ से मिली है? उसके थर्मल एनर्जी से। अब देखो, जैसे मान लो ये इतना बड़ा है एम मास का और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, और इसमें हम करें हीट कितनी निकाली है हमें, क्यू हीट निकली है, मान लो क्यू हीट निकली है जो यहाँ थर्मल एनर्जी के फॉर्म में गई है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में गई है। तो क्यू बराबर होगा एम एस डेल्टा टी, ये किस में आएगा? एम एस डेल्टा टी किस में आएगा? कैलोरी में। तो इसको जूल में कैसे बदलेंगे फिर? एम एस टी इंटू जे, और ये आ जाएगा तुम्हारा, ये जूल में आ गए, ये आ गए डेल्टा यू के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर जो फॉल हुआ है वो हो जाएगा डेल्टा यू, कितना है ये 4πr² टी अपॉन में एम एस जे। तो ये हुआ कि इतना टेम्परेचर उसका फॉल हुआ।